SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। सिवान के रघुनाथपुर पहुंचा पुलवामा हादसे में मृतकों का शव। कोल्ड स्टोरेज की छत से गिरने से हुई है मौत। कुछ देर पहले परिजनों से किया था बातचीत। रघुनाथपुर प्रखंड के नवादा गांव में गुरुवार को एक साथ दो मजदूरों का शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मृतकों की पहचान नवादा गांव निवासी रघुनाथ पटेल के पुत्र लड्डू कुमार उम्र 18 वर्ष और कमल देव शाह के पुत्र जुगल कुमार उम्र 20 वर्ष के रूप में की गई है। घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लसीपुरा इलाके में लघु उद्योग विकास निगम सिडको में एक कोल्ड स्टोरेज की है। सोमवार को कोल्ड स्टोरेज निर्माण के दौरान ऊंचाई से दोनों एक साथ गिरे थे, जिन दोनों का इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। मृत दोनों युवक अविवाहित थे, जिनका शव पहुंचते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलवाने की मांग की है। बताया जाता है कि सोमवार की रात दोनों मजदूर कोल्ड स्टोरेज की छत से गिर गए। उन्हें घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शवों का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया। उसके बाद वहां उनके साथ रहने वाले ग्रामीणों को शवों को सौंप दिया गया। गुरुवार को दोनों मृतकों का शव उनके पैतृक गांव आते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में मृतक के पड़ोसियों ने बताया कि बिहार में रोजगार नहीं मिलने के कारण होली पर्व के बाद दोनों मजदूर अपने अन्य 6 साथियों के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में काम करने गए थे। काम के बदले मिले मजदूरी से घर परिवार का गुजारा होता था। हादसे से कुछ देर पहले परिजनों से फोन पर किया था बातचीत। हादसे में कोल्ड ड्रिंक की छत से गिरकर मृतक जुगल कुमार के परिजनों ने बताया कि वह सोमवार की संध्या उन लोगों से फोन पर बात किया था, लेकिन जब परिवार के लोग घर पर आने के लिए पूछे तो बोला कि अभी नहीं, थोड़ा और कमा लेने दो, उसके बाद आऊंगा। लेकिन मृतक और उनके परिजनों को क्या पता था कि फोन से यह बात उनकी आखिरी बात होगी। फिलहाल बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे SN Live। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।